नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आपके पास अगर MPEG-4 सेटअप बॉक्स है डी डी फ्री डिश का, उसमें आपको पूरे चैनल्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर अगर आपके बॉक्स की फ्रिक्वेंसी या फिर TP डिलीट हो चुकी है, तो उसके आपको कैसे एडिट करना है और कैसे सही करना है, इसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। अगर आपके बॉक्स में सिग्नल है, सब कुछ सही आ रहा है, उसके अलावा नो प्रोग्राम्स या फिर नो सिग्नल करके आ रहा है स्क्रीन पे, तो उसको आपको कैसे सही करना है, उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको मेनू के बटन को प्रेस करना है और आपको आना है इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन पे। तो इंस्टॉलेशन में आने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा एंटीना सेटिंग का, तो एंटीना सेटिंग में आपको आ जाना है। तो ये देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको मेन जो सेटिंग का ध्यान रखना है, वो आपको TPO का ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं कि अगर आप DD-PD की TP ही सिलेक्ट करेंगे, तभी आपको DD-PD के सिग्नल्स मिलेंगे। अगर आपकी TP चेंज हो जाएगी, तो आपको जो चैनल्स हैं या फिर सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, तो वो आपको नो सिग्नल सब कुछ होने के बाद भी बताएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी TP-यां हैं, सैटेलाइट हमने यहाँ पे DD-PD सेलेक्ट करके रखी हुई है। तो इस तरह से अगर आपकी सैटेलाइट दूसरी सेलेक्ट रहेगी, तो आपका चैनल्स नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका आता है NLB पावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NLB पावर में 13 वोल्ट और 18 वोल्ट का ऑप्शन आता है, तो इसको आपको ऑफ रखना है। उसके बाद आपका आता है NLB फ्रिक्वेंसी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो DD-PD की फ्रिक्वेंसी होती है, वो आपकी होती है 97, 50 और 10, 600। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि TP जो है वो चेंज ना हो, नहीं तो आपको कुछ चैनल्स मिलेंगे, कुछ चैनल्स आपके नहीं चलेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम आपके बॉक्स में आ जाएगी। तो इस तरह से आप DD-PD का जो NLB फ्रिक्वेंसी है, वो आप सेलेक्ट 10, 97, 50 और 10, 600 को ही रखेंगे, तो आपको पूरे चैनल्स जितने आपको DD-PD में आते हैं वो मिलेंगे। उसके बाद आप आते हैं डिस्क स्विच पे, तो इसमें आपका 1.0 है। तो इसमें अगर आपके पास, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका पोर्ट 1, 2, 3, 4, ये मोनो ब्लॉक NLB का ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास चार छतरियाँ हैं, तो चारों छतरी का आपका जो चैनल रहेगा, वो यहाँ से आप पोर्ट सेलेक्ट करके डिस्क स्विच से आप सभी छतरी के जो सेटेलाइट हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आपका डिस्क स्विच 1.1 है, तो इसमें भी आपको बहुत से पोर्ट मिल जाएंगे, तो सभी पोर्ट आप सेलेक्ट करके पूरी छतरी लगा के आप इस चीज़ में बॉक्स में आप पूरे जो चैनल्स हैं और सारी सैटेलाइट हैं वो आप स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ही छतरी लगाई हुई है और एक ही पोर्ट हमारा है, तो हम एक एक पोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी मोनोब्लॉक NLB नहीं है, सिंगल पोर्ट वाली है, इसलिए हम ये पोर्ट 1 ही रख रहे हैं। उसके बाद आपका TP की सेटिंग है। तो TP में आप देख सकते हैं 11,747 है वर्टिकल, 97,500, मतलब जो आपके DD-PD की सारी सेटेलाइट रहेंगे, जो आपके चैनल्स पूरे आएंगे। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका स्टार सर्च है, तो आप सभी जो सेटिंग है वो कंप्लीट करने के बाद अगर आप ओके प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपका सर्च स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सेटिंग्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने DD-PD के सेटअप बॉक्स में, तभी आपको जो पूरे चैनल्स हैं वो मिलेंगे और चलेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है सैटेलाइट लिस्ट पे। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जो सैटेलाइट है वो DD-PD सेलेक्ट होना चाहिए। उसको आप एडिट कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं हम आपको बता देते हैं। एडिट करने के लिए आपको येलो बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको लॉन्गिट्यूड और डायरेक्शन वगैरह, किस डायरेक्शन में आपकी छतरी चलती है, वो सब आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यही एक कुछ सेटिंग्स थी जो आपको अपने सैटेलाइट में सेलेक्ट करके रखना है। ये देख सकते हैं हमारे चैनल पूरे हैं, और यहाँ पे जो सैटेलाइट हैं वो हमारी 59 सैटेलाइट हैं। तो ये आपको DD-PD के सैटेलाइट ही सेलेक्ट करना है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। तो वीडियो में आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।